जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तेरह अगस्त आज है, मंगलवार है, 13 तारीख है, 7:40 हुई है, 7:40, 13 तारीख मंगलवार। चलिए बात बात करते हैं आज की। कल थोड़ा बस अभी थोड़ा सा शांति मिली, हमारी डॉक्टर को थोड़ी तकलीफ हुई थी और ठीक हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या बोलते हैं, कल मैं देखा नहीं था पूरा बाज़ार ड्यू टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज कल का मैंने अभी अभी सुबह देखा सब कुछ, तो 300 समथिंग पे आज क्लोज, कल 347 पे कल क्लोज किया। कल का हाई लो बहुत ज़बरदस्त था, कल का मैंने देखा था 472 तक का हाई बनाया और लो बनाया 217। मतलब कल का दायरा बहुत बड़ा था, 217 और 472। अगर जब 472 चल गया तो आराम से 410 के ऊपर क्लोज कर सकता था। और मैंने आप लोग को एक चीज़ और बोला कि 24500 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर जाए उस दिन सारा हमारा स्टॉप लॉस है, मगर इसकी ताकत है तो 410 के ऊपर ही क्लोज करके दिखाए। तो कल चाहता तो 410 के ऊपर आराम से क्लोज कर सकता था। कल का मैंने चार्ट देखा था, अगर मैं देखूँ तो 2:30 बजे तक तो आराम से उसमें मौका दिख रहा था क्लोज होगा। बाद में उसने सरेंडर किया और 347 पे, जबकि फ्राइडे की भी क्लोजिंग से वो 20 पॉइंट नीचे ही क्लोज किया, 20 पॉइंट नीचे ही क्लोज। दिस शोज जो टिल्टिंग 10-20 EMA है नाउ दे आर टेकिंग इफेक्ट, टिल्टिंग टिल्टिंग डाउनवर्ड्स। दूसरा, 20 EMA की वैल्यू 10 से ऊपर है, आज है कि नहीं मुझे, मैंने चेक नहीं किया, होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं हुई होगी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण कि मंदी। लेकिन आज शायद वो MSCI रीबैलेंसिंग का कुछ मामला है, उसमें HDFC बैंक का आपको पता ही होगा। तो मैंने आप लोग को बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली बोला, लेकिन मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी भी 51200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। तो वो भी कल देखिए 50900 वगैरह 8-850 जाके वो भी एक बार ठंडा हुआ, लेकिन वो कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है। याद रखिए, ठीक है, अभी निफ्टी में मेरा अभी भी इस वीक का टारगेट 23600 का ही है, इस वीक का, जिसमें हमारी छुट्टी है परसों। अब 23600 आने के लिए तो अभी यहाँ से लगभग 700 पॉइंट गिरना पड़ेगा, 750 पॉइंट। तो अभी क्या चीज़ से आ सकती, और या फिर देखिए आज का दिन थोड़ा सा खतरनाक दिन है, मैं आपको ये बता दूँ, आज का दिन बड़ी मंदी आ सकती है या बड़ी तेज़ी आ सकती है। आज की मेरी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन बोलती है, आज की तारीख है 13, इसका टोटल होता है 4, ये राहु की डेट होती है और आज मंगलवार है। जब जब राहु की डेट और मंगलवार होती है उस दिन बाज़ार या तो बहुत बड़ा तेज होता है या बहुत बड़ा मंदा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। डेट राहु की और मंगलवार, ऐसा जब जब हुआ है मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया। ठीक है, बड़ा मूव आएगा, अब बड़ा मूव नीचे का आ सकता है, ऊपर का आ सकता है। चांसेस नीचे की इसलिए बनती है कि मार्केट डिड नॉट सस्टेन यस्टरडे, इफ द मार्केट वाज स्ट्रांग इट कुड हैव क्लोज्ड अबव 450-410 लाइक दैट, बट इट सरेंडर्ड इन द ड्यूरिंग द लास्ट 1 आवर एंड फाइनली क्लोज बिलो द क्लोज ऑफ फ्राइडे। दिस शोज
एट अपसाइड देर आर ह्यूज सेलर्स स्टैंडिंग। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं मार्केट हिडेनबर्ग का भी पचा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। देखिए बॉस, फ़र्क तो सब पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे देश के ऊपर अटैक है हिडेनबर्ग की तरफ से, मतलब ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई आपको सच्चाई का आईना नहीं दिखाए? अगर आप में दम है तो उस हिडेनबर्ग को जेल में बंद करवा दो, आप सच्चे हो तो। कैसा बीजेपी बोलती है सबको कि अगर हम चोर है तो हमारे ऊपर केस करो, हमारे ऊपर भी ईडी सीबीआई लगाओ। भैया ये जो मुखौटा पहन के रखे हो तुम सराफत का, ये क्या दिखता नहीं लोगों को? और ये इतने पाक साफ है तो टीवी में हर टीवी चैनल को संडे को शो क्यों करना पड़ा उसके लिए? इनके बाप लोगों ने बोला साले ऐसा फैलाओ कि इंडिया के ऊपर अटैक है, हमको हमारे काका को बचाना है, काका हमारे गुजराती काका को बचाना है। उसके ऊपर आ जाए तो हमारे बड़े काका नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उसके ऊपर जब भी कोई मामला आता है तो दब जाता है। कैसे दब जाता है ये आप सोचो, ठीक है? लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, समझ में है? इट हैज टू बी ए रियल फ्लावर टू स्मेल, ना? कागज का फूल कितना भी खूबसूरत आप बना लीजिए, उसमें आप वो जो नेचुरल फ्रेगरेंस होती है रोज़ फ्लावर की या जो भी वाट एवर फ्लावर, लिली फ्लावर, जो भी आप रजनीगंधा फ्लावर जो भी आप पसंद करते हो, वो जो नेचुरल एसेंस फ्रेगरेंस होती है वो ला नहीं सकता है। तो उसी तरह से हमारे देश के दिग्गज व्यापारी अदानी साहब कितना भी ऊंचे पद पर चल जाए, फूल वो कागज़ के ही है, याद रखना। बस इतना मैं हिंट दे दिया आपको। तो खुशबू रियल फूलों में ही आती है, और फिर जिसका बलम थानेदार उसको खाए का डर है ना? तो भैया ये हकीकत है। अब तुम इसको देश पे अटैक मानो, हमारी देश की उच्च संस्था पे अटैक मानो, चाहे कुछ भी मानो, वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारा काम है, कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, वो करेगी। लेकिन हम जो खुली आंखों से देखते हैं एज ए जनता, वो मुझे ऐसा दिखता है, आपको अलग दिख सकता है, उसको अलग दिख सकता है, किसी को अलग दिख सकता है, ठीक है? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिडेनबर्ग ने शॉर्ट करके रखा हुआ है इसलिए ऐसा फैला। तो हिडेनबर्ग ने अदानी पे भी शॉर्ट किया था, तो अगर उसकी शॉर्ट में दम नहीं था तो वो अदानी इंटरप्राइज क्यों 1100 का भाव पे आ गया था, ये बताइए मुझे। अगर उसकी बातों में बिल्कुल दम नहीं था, तुम 1100 से उसको वापस 3500 लेके आ गए वो अलग बात है, लेकिन 1100 पे क्यों आ गया? जिस शेयर की कीमत 4200 हुआ करती थी उस समय, 4200 से 1100 क्यों आ गया? क्या किसी ने इस पे सवाल उठाया? अगर मेरे पे कोई झूठा आरोप लगाएगा तो मेरी फैन फॉलोइंग कम नहीं होती उससे, बल्कि बढ़ती है। तो
मैं अगर कोई शो कर रहा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं अगर शो कर रहा हूँ 5 लाख रुपया पर शो का चार्ज कर रहा हूँ, तो कोई झूठा आरोप लगाएगा तो मैं सीधा 1 लाख रुपया चार्ज करने नहीं लग जाऊँगा, या तो उस आरोप में दम होगा। क्यों अदानी जी को उस समय स्पष्टीकरण देने पड़े कई बार, सोचिएगा। बस हम कुछ कर नहीं सकते, बट सोच तो सकते। मैं आज भी बोलता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न अदानी स्टॉक्स देंगे, बट सबसे ज़्यादा रिस्की भी वो हमेशा रहेंगे, आपको याद रखना। रिटर्न आपको अब 1100 वाले को तो 3500 का रेट मिल गया, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा गेन हो गया, लेकिन जिसका 4000 से 1100 गया, उसकी रात की नींद कैसे हराम हुई, वो सोचिएगा बस, ठीक है। वो प्रेशर आप झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो, और कब तक यही गवर्नमेंट रहेगी लाइफ में, क्या हमको जिंदगी भर यही गवर्नमेंट रहनी है? ये नेवर चेंजिंग गवर्नमेंट है, भगवान का अवतार लेके आई है, तो अलग बात है। तो यू आर वेरी सेफ इन अडानी स्टॉक्स, ठीक है। ये मैं फैसला ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ। मैंने कल भी एक डायलॉग मारा था, आज भी बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। बस जब समय आपका चल रहा है तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ ऑल राइट, और जब समय पलटी मारता है तो वॉट एवर राइट यू आर ऑल्सो डूइंग विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। अब मैं अभी बोल सकता हूँ, अभी मेरा थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है, मैं इतनी मेहनत करके भी मेरे साथ एक नई प्रॉब्लम खराब आ जाती है, कुछ ना कुछ एक नया एक मेरा प्रॉब्लम क्रिएटेड रहता है अभी कुछ टाइम से, ठीक है। स्पेशली हेल्थ इश्यूज से लेकर, ठीक है, मतलब कभी मदर का, कभी किसी का, ऐसे होता है, ठीक है। तो उस समय को मैं बड़े पेशेंटली झेल रहा हूँ, मैं कभी भी इसका प्रेशर जो मुझ पे आता है, मैं अपने वर्क प्रेशर पे कभी भी नहीं लाया हूँ, वर्क को मैं हमेशा अलग रखा हूँ। मेरे चेहरे पे आप कभी भी ऐसा कभी कभार बहुत रेयरली आपने देखा होगा कि मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती है, बिकॉज सिचुएशन जब भी खराब हो आप या तो शांत रहिए या उसको झेलने की शक्ति रखिए। तो मैंने तो आपको एक ही बात बोला था कि इस महीने में 23,907 प्लस माइनस कुछ भी 150 पॉइंट हम रियायत मानेंगे, अगर नहीं आता है तो मैं यूट्यूब छोड़ूंगा। तो 31 तारीख अगस्त तक मेरे पास टाइम है, और अभी हम 24,327 पे खड़े हैं, अभी भी मेरा काम बनने के लिए मार्केट को, मार्केट अभी भी मेरे उस लेवल से ऊपर है जिस लेवल का मैंने जिक्र किया था, मैं बोला मैं गिनती करूँगा 24,307 से, ये सबको याद होगा। भले ही मार्केट ने हाई बनाया 25,078, लेकिन मैं गिनती करूँगा 1400 पॉइंट 24,307 से, सबको याद होगा ये। तो मैं ऐसा नहीं कि आज उसको चेंज कर रहा हूँ, नो चेंजेस। मैंने उसके बाद 25,078 का हाई देख के भी वही बात को जारी रखा, और आज भी जारी रखता हूँ कि आई एम गोइंग टू लीव एंड आई हैव नो रिपेंट, मतलब मुझे कोई ऐसा तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, अगर मैं सच्चा हूँ तो लास्ट में जीत सच्चाई की होती है, अगर मैं गलत हूँ, मेरी रीडिंग गलत हुई है, तो ऊपर वाला फिर उसको नहीं मुझे जिताएगा, नहीं मुझे जिताएगा, ये सिंपल है। लेट सी वॉट एवर आई एम डूइंग वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया, अब कल भी आपने देखा कमाल था वो, जब मार्केट कल इतना नीचे से इतना तेज हो गया था, 217 से 472 चल गया, तो वो कोई भी एक कारण नहीं होना चाहिए था कि उसको वापस इतना नीचे आके बंद हो, ठीक है। बिकॉज उस शक्ति का, वो शक्ति काम करती है, जब 10 EMA 20 EMA के नीचे आ जाता है, तो ये समझ जाना अब एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये मैंने बहुत बड़ी एक
डिस्कवरी की है चार्ट्स के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर। और सो दैट्स इट ओवरऑल। और इंट्राडे लाइफ टाइम कल सबको सब लेट जागते हैं, तो चलो सबको 15 अगस्त आने वाला देश का 15 अगस्त तक सबको छूट है, ठीक है, इंट्राडे लाइफ टाइम 15 अगस्त तक। और वेबिनार के लिए ज्वाइन कर लीजिए, 18 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत कम समय बचा है, फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे से अब सेमिनार करने का विचार कर रहा हूँ। सेमिनार का विचार इसलिए कर रहा हूँ, वहाँ मैन टू मैन इंट्रैक्शन भी होगा, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लोग अब मैंने प्लानिंग की है सेमिनार में 2 दिन का रखेंगे, उसमें आपका रहने खाने का खर्चा भी हम उठाएंगे 5-स्टार होटल, तो इंट्रैक्शन भी होगा सब कुछ हो। तो अभी वो प्लानिंग में है, उसका अनाउंसमेंट सितंबर में करूँगा मैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, 2 दिन का रहेगा, 2 दिन में पूरा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक चलेगी क्लास। एक दिन पूरा सागर से लेगा, एक दिन पूरा मैलू, ठीक है। तो ये रहेगा, तो वो प्लानिंग चल रही है अभी। बहुत दिन हो गए यार, लास्ट मैंने लाइव किया था वर्कशॉप कोरोना का पहले, वो लास्ट वर्कशॉप था मुझे याद है भुवनेश्वर के, भुवनेश्वर उड़ीसा के। उसके बाद मेरा, जैसे मैं सूरत आया उसके बाद मेरे को दिल्ली जाना था 22 मार्च को, दिल्ली की वर्कशॉप के लिए जाना था 22 मार्च को। मैं एयरपोर्ट से रिटर्न आया, वाइफ का फ़ोन आया था कि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मैंने आज तक लाइव वर्कशॉप्स नहीं की, जो भी किया वेबिनार के रूप में। पहले हर सैटरडे मेरी जर्नी रहती थी, हर सैटरडे मैं एक इंडिया की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया मैंने पकड़ा हुआ था रूटीन में, मतलब इस संडे मुंबई में क्लास होगी, अगले संडे बेंगलोर में होगी, अगले संडे दिल्ली में होगी, अगले संडे भुवनेश्वर में होगी, और उससे अगले संडे इंदौर में होगी, ये मेरी रूटीन थी। चलिए, तो आपको सब कुछ बता दिया। अब देखिए, आज का दिन मैं राहु देवता पे छोड़ता हूँ, क्योंकि कल उठा पटक दोनों हुई थी, लेकिन लास्ट में बाजी हमारे लोगों ने मारी, यानी कि अभी के बियर्स ने मारी। कैसे मारी, कि हमने एक तो फ्राइडे के क्लोज से नीचे क्लोज किया, मंडे को एक नया हाउट और नया हाई बनना था। मैंने आपको बोला था कि पिछले फ्राइडे को हाई बना है, तो इसका मतलब पिछले फ्राइडे को 420 का हाई था, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, तो वो टूटना ज़रूरी था, क्योंकि वो वीकली हाई था पिछले फ्राइडे का, पिछले फ्राइडे की पूरी वीक का हाई था वो, तो वो नियम से सोमवार को टूट जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद अगर रियल में उसके नीचे क्लोज आती है, तो ये वीकनेस का बहुत बड़ा साइन होता है, बहुत बड़ा साइन होता है। एक तो हम फ्राइडे की क्लोज से नीचे क्लोज किए, प्लस फ्राइडे का हाई को तोड़ भी दिए थे, तो दिस इज डबल कन्फर्मेशन कि आज बड़ी मंदी आ सकती है, बड़ी मंदी, छोटी नहीं, 200-250-300 पॉइंट वाली। लेकिन डेट राहु की है 200-300, बढ़ भी सकता है, बढ़ गया तो हमको खाली एक ही स्टॉप लॉस हमको ध्यान रखना है, एनी क्लोज अबव 24,500, दैट इज द बस, उसके ऊपर क्लोज हुआ कोई क्वेश्चन नहीं, ये उसी दिन समझ जाना प्रमोद जैन आउट ऑफ यूट्यूब। उसके बाद आपको 31 अगस्त तक का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत नज़दीक है, समझ में आया मामला। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।